An Academy. Let's crack it. एमपीपीएससी जो 2020 का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम इकाई 3 हम पढ़ रहे हैं, और इसमें है सामान्य जीव विज्ञान। सामान्य जीव विज्ञान, ठीक है, और याद रहे ये सामान्य जीव विज्ञान है, सिर्फ जीव विज्ञान नहीं, सामान्य यानी जो जनरल चीज है जो सभी को पता होनी चाहिए वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हाई लेवल का, हाई लेवल की जो बायोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एमपीपीएससी एस्पिरेंट है 2020 के। यहाँ पे चीज़ों को कैटेगराइज करके दिए गए हैं एमपीपीएससी द्वारा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे है, हालांकि फिर भी हम यहाँ पे इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्रमबद्ध तरीके ये रहेगा कि हम अभी जो जो चीज़ें हम डिस्कस किए हैं, यहाँ पे देखिए कोशिका के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे, सूक्ष्म जैविक कृषि यहाँ पे पहले नंबर पे दिखे, तो हम पहले कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोशिका की कार्य संरचना ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, फिर वर्गीकरण ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं अभी, यहाँ पे हमने कुछ वर्गीकरण के टॉपिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोशिका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम सूक्ष्म और जैविक कृषि में आएंगे, फिर आगे की ये सारी जो जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले, तो एक क्रमबद्ध तरीके से ये चलने वाली सारी चीज़ें, और कोशिका के बारे में हम आगे जो अगले लेक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 30 अंक की ये इकाई होने वाली है, ठीक है, 30 अंक, और ये जो GS3 का पेपर है, सामान्य सामान्य अध्ययन 3, यानी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं तकनीकी, हिंदी में से बोलेंगे विज्ञान एवं तकनीकी, ये है 300 अंक का, ठीक है, इसमें कुल 10 इकाई है, तो हर इकाई 30 अंक की है, तो ये हो जाएंगे इस प्रकार 300 अंक, ठीक है, इसमें इसको आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में दे सकते हैं, 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में, ठीक है, तो शैल के अगले टॉपिक हम शुरू करते हैं। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10, और इससे संबंधित जो गोल है एमपीपीसी रुपन संबंधित वो आप यहाँ पे चूज़ कीजिए और अनअकैडमी से आप लर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करना होगा इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान हम देख लेते हैं, यानी फ्री प्लान के जो बेनिफिट्स है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे दी जा रही है एक हफ्ते के अंदर में, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और 50,000 टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं, और इनका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और जो कि फ्री लाइव क्लासेस में 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई, एमपी जेल फेयर, ये 4 डिफरेंट एग्जाम्स हैं, इनको कवर किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट को मिला के, और डेली T20 सीरीज यहाँ पे होती है मंडे टू सैटरडे रोजाना 8 बजे, और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट का समय होता है, और 20 मिनट आपको इसको सॉल्व करके देना होता है, इसके बाद ही 8:30 बजे से यहाँ पे पेपर एनालिसिस होता है जो टेस्ट आपने दिए हो। ये टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे ये क्लासेस ली जा रही है। डेली आपको फ्री लाइव क्लास का मौका मिलेगा यहाँ पे, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, जो कि इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं अपने जो गोल के गोल से संबंधित जो भी एजुकेटर्स हैं आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, और जैसे T20 सीरीज मैंने आपको बता दिए किस प्रकार से चल रही है, और यहाँ पे आप मिनी कोर्स अटेंड कर सकते हैं जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, रिवाइज सिलेबस एमपीजीएल पहरी का और बहुत कुछ यहाँ पे है, और मिनी कोर्स के अंतर्गत इन एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, और डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का ऐप, और यहाँ पे एमपीपीएससी गोल चूज़ करना होगा, और मैं जैसा कि मैंने बताया था सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है, उसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है केंद्रक, ठीक है, कोशिका के अंतर्गत हम केंद्रक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ये महान वैज्ञानिक है एक रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी कोशिका के अंदर, ठीक है, और जैसे कि हम बात किए अभी कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक, इससे नियंत्रण और संचालन दोनों होता है, इसलिए इसको मस्तिष्क कहा जाता है कोशिका का। इसके अपवाद भी है कुछ, अपवाद कौन कौन से अपवाद हैं यहाँ पे देखिए, अपवाद है RBCs यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो है उसमें केंद्रक नहीं होता है, और
प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हर सेल में हम देखते हैं, हर सेल में एक केंद्रक होता है, ठीक है, हर सेल में एक केंद्रक होता है, लेकिन यहाँ पे इसके अपवाद है जिसमें केंद्रक नहीं होता, जिसको जिन कोशिकाओं में, वो है आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो दो सेल यहाँ पे इसके अपवाद है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। अगला हम बात करते हैं गुणसूत्र की, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे होते हैं पेयर्स, ठीक है, जो गुणसूत्र है वो पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं। और ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं? ह्यूमन में होते हैं 46, लेकिन हम 46 उसको नहीं बोलेंगे, इसको हम जोड़े में बोलेंगे, 23 जोड़े, ठीक है, 23 पेयर, 23 जोड़े यहाँ पे होंगे गुणसूत्र, ठीक है, ये बोलना सही रहे, क्योंकि ये खुले में नहीं रहते, ये जोड़े में रहते हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जो जो 23 जोड़े रहते हैं, 23p, इसको बोलते हैं 2n, ठीक है, 2n से इसको दर्शाते हैं। 2n यानी होता है डिप्लॉयड, डाई डाई मतलब होता है दो, ठीक है, यानी जोड़े में है, ठीक है, डिप्लॉयड ही हो गया। और यहाँ पे n मतलब है, n होता है हैप्लॉयड, ठीक है, हैप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड है, ठीक है, हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, ठीक है, एच ए आता है इसमें, हैप्लॉयड। तो n मतलब होता है हैप्लॉयड, यानी ये संख्या में है, जैसे 23 क्रोमोसोम्स, तो ये संख्या में है। और यदि 23 पेयर पी की बात कर दी, पेयर्स की बात कर दिए, तो ये हो जाएंगे जोड़े में, यानी बात होगी किसकी, 2n की, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चले हम, अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो जो गुणसूत्र रहते हैं, गुणसूत्र जो 23 पेयर्स रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, ये देखेंगे हम, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र फादर में और मदर में, इन दोनों में जो हम देखेंगे किस प्रकार से रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स में 22 रहते हैं, कौन से 22 और 22 मतलब 44 जो है वो है एक्स, एक्स के रूप में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, एक्स एक्स रूप में यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे है, और एक जोड़ा रहता है, एक जोड़ा कौन सा रहता है, वाई का, एक्स और वाई का, एक जोड़ा रहता है एक्स और वाई का। और यदि हम माता की बात करें, तो यहाँ पे यानी मदर की साइड में दोनों ही जो रहते हैं, जो एक्स और एक्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल संख्या की बात करें तो ये होगा 45x, इसमें 45x, ठीक है। और यहाँ पे एक जो अलग वाले बात करें, तो यहाँ पे वाई है, किसमें, पिता की तरफ से यानी फादर की तरफ एक वाई क्रोमोसोम रहता है, और यहाँ पे मदर की तरफ जो एक्स्ट्रा वाला रहता है वो भी एक्स ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क एक में एक है, एक में वाई रहता है, एक में एक्स रहता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाला है। और यहाँ पे जो कॉमन है वो 45 कॉमन रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे इससे पहले हम क्रोमोसोम समझे, क्रोमोसोम तो हमको पढ़ना है, इससे पहले हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम पढ़ने के लिए कोशिका विभाजन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से फिर ये जनन में यहाँ पे सन होगा, डॉटर होगी, ये इस प्रकार से जो मतलब बेटा होगा या बेटी होगी, इस प्रकार से जो चीज़ें आएगी वो हम सेल डिवीजन के बाद ही समझ पाएंगे। तो सेल डिवीजन हम देखते हैं, सेल डिवीजन के कारण ही हम बने, ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए सेल डिवीजन के कारण ही हम बने हैं। यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कारण शरीर वृद्धि करता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन कुछ काम होता है उस कारण, जैसे कि हम छोटे थे पहले, ठीक है, मान लीजिए जब हम जन्म लिए थे तीन केजी के थे, तो तीन केजी से आज हम 60 केजी, 70 केजी इसके आसपास हो गए हैं, या फिर जितना जिसका जितना वजन है उतना हो गए। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि हमने जब पढ़े थे उसको, देखिए जो जब सेल हमने स्टार्ट किए थे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पर देखे थे, जीवन की इकाई वाला, ठीक है, जीवन की इकाई वाले कॉन्सेप्ट हमने ये देखे थे कि जो फादर है और मदर है, फादर की तरफ से आते हैं स्पर्म्स, मदर की तरफ से आते हैं एग्स, ठीक है, ये आते हैं जनन कोशिका से, ठीक है, ये जनन कोशिका से आते हैं। और यहाँ से जब जनन में ये मिलते हैं, तो ये बनता है युग्मनज, इसको बोलते हैं जाइगोट, क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट यानी होता है एक कोशिका। यहाँ से जब हम अभी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तो 23 यहाँ पे इस प्रकार से ही आएंगे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेल डिवीजन है वो उसका रोल यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिवीजन का रोल समझिए, यहाँ पे देखिए युग्मनज बना, अब युग्मनज यानी एक कोशिका होती है, जाइगोट यानी एक कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बना तो ये हुआ क्या,
एक कोशिका, फिर कोशिका से बने, कोशिका से मिलकर बने क्या ऊतक, ऊतक बने, ऊतक से फिर बनते हैं अंग, फिर अंग से बनते हैं अंगतंत्र, फिर अंगतंत्र से बनता है जीवन, यानी मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी कि जो अभी हम है जो, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर बॉडी है अभी जो हम है वो बनता है, ठीक है। तो इतनी जो प्रक्रिया रहती है ये होती है कोशिका विभाजन के द्वारा, इसके द्वारा कोशिका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कोशिका, कोशिका का विभाजन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कोशिका विभाजित होके और कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका विभाजन में हम देखेंगे जो जाइगोट है, ठीक है, मेरा वो पहले का जो कंसेप्ट बताने का मतलब ये था कि जाइगोट से किस प्रकार मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है उसमें कोशिका विभाजन का रोल रहता है वो बताने का मेरा उद्देश्य था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन ये कैसे होता है और कितने प्रकार से होगा, ठीक है। तो याद रखिए कोशिका विभाजन से ही हम बने हैं, जो कंट्रोल वाली जो कंट्रोल वाला जो रिवीजन होता है जो कोशिका विभाजन होता है उससे। लेकिन यदि यही प्रक्रिया यदि अनियंत्रित हो जाए, यदि अनकंट्रोल हो जाए, ठीक है, ये जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है यानी जो सेल बनने की जो प्रक्रिया है वो अनियंत्रित हो जाए तो इससे होता है कैंसर, कैंसर का कारण ये बनती है, ठीक है। जो कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो वो बन जाता है कैंसर का कारण, उससे फिर कैंसर ये समस्या होने लगती है, ठीक है, कैंसर कैंसर जैसी बीमारी यहाँ पे होने लगती है। अब जो कोशिका विभाजन है वो कुछ फेज में होता है, वो दो फेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज, ठीक है। पहला कौन सा फेज है, इंटरफेज, और दूसरा है एम फेज। इंटरफेज को हिंदी में बोलेंगे हम अंत्यावस्था, अंत्यावस्था, और एम फेज को बोलेंगे विभाजन की अवस्था यानी डिविजन फेज, इसको डिविजन फेज भी बोलेंगे, ठीक है। एम फेज को हम क्या बोलेंगे, डिविजन फेज। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरफेज का, यानी जो अंत्यावस्था वाली कंडीशन वो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल फेज कहलाता है, कंट्रोल फेज यानी ये नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है किसको, कोशिका विभाजन को, ये रेगुलेट करता है इस फेज, ये जो फेज है कोशिका विभाजन को रेगुलेट करेगा, विभाजन कैसे होगा, कब होगा और किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, यानी कब डिसाइड होता है, ये होता है इंटरफेज में, अंत्यावस्था में, ठीक है। एम फेज में तो खाली डिविजन होता है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, इंटरफेज। फिर है एम फेज, विभाजन की अवस्था यानी डिविजन फेज है ये। अब डिविजन फेज यानी एम फेज दो दो टाइप से होगा यहाँ पे, पहला है मीटोसिस, दूसरा है मियोसिस, ठीक है। मीटोसिस को हिंदी में बोलेंगे समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को हिंदी में बोलेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन, यानी ये जो समसूत्री है इसमें वैसे ही जैसे यहाँ 2n है, 2n ही, 2n जब विभाजित होंगे तो 2n में ही होंगे, ठीक है, यहाँ पे संख्या कम नहीं होगी, उतनी संख्या रहेगी जब ये विभाजित होगी, ठीक है। ये जो कोशिकाएं जब विभाजित होगी तो यहाँ पे इस इन विभाजन में संख्या कम नहीं होगी, लेकिन हम बात करें अर्धसूत्री की, यहाँ पे नाम से स्पष्ट ऐसा है कि अर्धसूत्री यानी आधे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है वो आधी हो जाएगी, ठीक है। जो 2n है, 2n क्या है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जैसे 2n है यहाँ पे तो 2n का हो जाएगा n, ठीक है, एन यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। और ये समसूत्री विभाजन या फिर मीटोसिस किस में होता है, ये होता है सोमेटिक सेल में, और अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, ये होता है जनन कोशिका या फिर जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल इसको बोलेंगे, इसमें होता है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी जनन सेल है और कौन सी सोमेटिक सेल है, तो यहाँ पे जो जनन जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जनन कोशिका होती है वो होते हैं मानव में, यदि पुरुष की बात करें तो वृषण, वृषण होता है, और महिला में बात करें तो ये होता है अंडाशय, ये होती है जनन कोशिका, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वो हो जाएगी, इसके अतिरिक्त जितनी भी कोशिकाएं हो जाएगी वो सोमेटिक सेल कहलाएगी, ठीक है, सोमेटिक सेल, जैसे ब्लड हो गया, नेल हो गया, हेयर हो गया, बोन हो गया, और बाकी जितनी भी सेल है ये कहलाएगी सोमेटिक सेल, ठीक है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, जब हम क्लोनिंग करेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्लोनिंग के बारे में, जब क्लोनिंग करेंगे तो वहाँ पे हम सोमेटिक सेल को ही लेंगे, ठीक है, सोमेटिक सेल को, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं क्या, जनन कोशिका, सोमेटिक सेल, सोमेटिक कोशिका, ये दोनों हम देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बात किए थे 2n यानी डिप्लॉयड है और n यानी हैप्लॉयड है, और 2n यानी 23 पेयर हो जाएंगे और n यहाँ हो जाएगा सिर्फ संख्या, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या, ये गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे आधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या क्या हो रही है, उतनी ही रह रही है, ठीक है, यहाँ पे दो है तो ये चार हो गए, ठीक है, यहाँ पे ये एक है तो एक से दो हुई, दो से चार हो जाएगी, चार से, इस प्रकार ये समसूत्र विभाजन में उतनी ही संख्या में बढ़ती आएगी आगे, ठीक है, यानी डबल होती जाएगी।
ठीक है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन हम यहाँ पर समझ गए। अब जनन कोशिका और सोमेटिक सेल में आपको कोई कोई दिक्कत तो नहीं, और याद रहे हम यहाँ पे जनरल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरल साइंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हालांकि जब जब जो एडवांस साइंस जब पढ़ते हैं, यानी जैसे गेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए और भी जो जो अलग एग्ज़ाम है उसके लिए जब बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और ऐड होती है, लेकिन जो मिटोसिस और मियोसिस में जो मेन डिफरेंस वगैरह है वो हमने यहाँ पर देखा जनरल साइंस के तहत, ठीक है। जो कि हमको यूपीएससी के में भी काम आएगा, और स्टेट पीसीएस जो रहते हैं जैसे एमपीपीएससी यूपीपीएससी, ये इस प्रकार के जो स्टेट पीसीएस है और अन्य जो स्टेट पीसी जहाँ पे जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ पे ये टॉपिक काम आएंगे और इतने काम आएंगे, ठीक है। ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है इसमें। अब क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमको क्रोमोसोम पढ़ रहे थे, कोशिका विभाजन पढ़ना हमको जरूरी था। अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए, हर जीव विशिष्ट होता है, किसके कारण ये होता है, इसका कारण होता है क्रोमोसोम गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र होता है इसका कारण। जैसे ह्यूमन में यानी हम में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं इसमें, ठीक है, हम में। और यहाँ पे ये भी इसके लिए भी जिम्मेदार रहता है कि हम अलग अलग दिखते हैं। जैसे ह्यूमन अलग दिखते हैं, केला है, केला के अलग गुण रहेंगे, वो अलग प्रकाश दिखेगा, और बाकी जो जीव है वो अलग अलग प्रकाश देंगे। वो किस कारण होता है, ये क्रोमोसोम के कारण होता है, ठीक है। इसमें केले में 18 क्रोमोसोम्स होते हैं और यहाँ पे ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, और अब बहुत सारे जो जीव है उसमें क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। और जो जो हमारे ईयर्स बनते हैं, नोज बनते हैं, जो बाकी पार्ट्स बनते हैं, वो क्रोमोसोम में उपस्थित जो जीन रहते हैं उससे बनते हैं, ठीक है। ये हम आगे बढ़ेंगे जीन के बारे में, ठीक है। जो क्रोमोसोम है उसमें उससे फिर आगे जीन में फिर जो शेप वगैरह जो रहते हैं उससे बनते हैं जीन से। तो हम देखते हैं गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र में हम देखेंगे यहाँ पे फादर की साइड से और यहाँ पे है मदर की साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों जो 23 पेयर यहाँ पर रहेंगे, 23 पेयर यहाँ पर जो रहेंगे वो किस प्रकार से यहाँ पर रहेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। हमने इसका थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया था अभी तक कि यहाँ पे 22 एक्स रहेंगे और यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पर क्या रहेगा, 22 जोड़े यहाँ पे क्या रहेंगे, एक्स रहेंगे और एक जोड़ा यहाँ पर रहेगा एक्स वाई का। और यहाँ पे माता की साइड हम देखें यानी मदर की साइड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा जो 23 जोड़े रहेंगे वो पूरे एक्स के रहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे कॉमन जो चीज़ देखे थे हमने 45x और एक वाई देखे थे, यहाँ पे 45x रहेगा और एक जो दूसरा वाला रहेगा वो भी एक्स रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। यदि हम इसको ये देखो यहाँ पे जब ये जन्म सेल जो रहेगी, ठीक है, जन्म सेल यानी वृषण, पुरुष में वृषण और मादा में रहती है ओवरी, ठीक है, मादा में ओवरी, ये होती है जनन सेल। तो जनन कोशिका यानी जन्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल इसे बोलेंगे। इसमें होता है क्या, कोशिका विभाजन कौन सा वाला, अर्धसूत्री वाला, ये होता है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस हमने अभी देखा, एक मिनट कहाँ गया वो, ये देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हमने देखा जनन कोशिका में होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। जनन कोशिका में ये होता है तो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है। अभी यहाँ पे देखो ये इसको हम आधा भाग मान रहे हैं, किसको, इतने को आधा भाग मान रहे हैं और इतने को आधा भाग मान रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरे वाला यानी मदर की साइड में इसको आधा भाग मान रहे हैं, इसको आधा भाग मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब जो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वहाँ पे मियोसिस होगा तो वहाँ पे ये आधे में आएंगे, ठीक है, यानी स्पर्म 23 आएंगे, ठीक है। स्पर्म में जो क्रोमोसोम रहेंगे 23 रहेंगे, एक्स में 23 रहेंगे। पहले जब वृषण में रहेंगे तो जब जनन के दौरान वहाँ पे वृषण और ओवरी में ये पेयर में रहेंगे, और यहाँ पे जब ये एक्स और स्पर्म आएंगे तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनमें संख्या आधी हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 23 है, एक्स वाले 23 है और यहाँ पे 23 है, इसमें एक वाई भी है, ठीक है, इसमें एक वाई का वाई वाला क्रोमोसोम है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 23 है पूरे और यहाँ पे 23, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना कि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि बॉय और गर्ल की कंडीशन कब बनती है, कि बॉय होगा जो बेबी होगा बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। यहाँ पर देखना ये देखिए 23 यहाँ पे आए क्रोमोसोम कौन से वाले, एक्स वाले, ये है एक्स वाई वाला एक है, यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ भी एक्स एक्स, यानी हमको देखना है कि ये कब मिलेंगे, मतलब किससे मिलेंगे और किस प्रकार से जो बॉय है और गर्ल बनेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये है एक्स,
एक्स वाला है, एक्स वाले को हमने इससे मिला दी एक्स वाले से, मतलब जो मिलेगा एक्स वाले जब मिलेगा तो इस प्रकार से बनेगा 23 23, तो 23 पेयर हो जाएंगे, ठीक है 23 पेयर ये हो गए। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो वाई है, वाई को हमने किससे मिला दी दूसरे वाले से, ठीक है तो मतलब जो वाई है उसको मिला दी एक्स से, तो ये होगा 23 पेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने एक एक से मिलाए, जबकि यहाँ पे दो पेयर बनेंगे, नहीं चार पेयर बनेंगे, सॉरी चार पेयर। यहाँ पे देखो जब ये मिलेगा, ये इसका एक्स मिलेगा और इस वाले का एक्स मिलेगा, तो फिर ये बन जाएगा 23 पेयर बन जाएगा, और ये वाले का वाई मिलेगा और इस वाले का जो एक्स मिलेगा ये वाला मिलेगा, तो यहाँ पे जाएगा एक्स वाई वाला, ये एक्स वाई वाला जो जोड़ा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग हुई उसको समझ रहे हैं, सीक्वेंसिंग कैसे हुई यहाँ पे। यहाँ पे पहले तो वाई वाले को अलग कर लो, वाई वाला कौन सा, एक ये वाला है, ठीक है तो ये हो जाएगा सन, क्योंकि इसमें एक जोड़ा एक्स वाई हो जाएगा, और ये वाई वाला हो जाएगा इधर पे ये आ जाएगा, ठीक है ये वाला इससे मिलेगा, तो ये हो जाएगा सन, यानी ये कंडीशन में बनेगा सन, यानी बेटा होगा, ठीक है यानी जो संतान होगी होगी वो होगा लड़का, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक्स है, ये भी एक्स एक्स है, तो ये हो जाएगा 23 पेयर एक्स के ही पूरे, तो हो जाएगा डॉटर, और यहाँ पे 23 पेयर यहाँ पे हो जाएंगे एक्स के, तो ये हो जाएगी डॉटर, तो यहाँ पे बॉय और गर्ल होने की संभावना कैसी हो जाएगी, 50-50 कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ये संभावना यहाँ पर रहती है। तो आगे समझ में कि ये किस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हो गया क्या अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है अर्धसूत्री विभाजन में ये क्रोमोसोम यहाँ पे मिले, एक पेयर बनाए उन्होंने, ठीक है पेयर बनाए वहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसके बाद जो रहेगा जाइगोट, ये होता है जाइगोट, ठीक है जो 23 पेयर रहेगा वो होता है एक कोशिका, एक कोशिका रहेगी और ये रहेगा जाइगोट, इसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है जाइगोट में, जाइगोट के बाद जो जो यूनिसेल्युलर बॉडी बनती है, यानी जो तीन तीन किलो का जो जो बेबी रहता है किससे, जो जेस्टेशन पीरियड जो रहता है उससे जब बनता है, तो यहाँ पे होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है पहले क्या हो गया अर्धसूत्री विभाजन, ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन से पेयर्स बन गए यहाँ पे, ठीक है पेयर्स बनाया तो एक कोशिका यहाँ पे बनी जाइगोट, जाइगोट जाइगोट के बाद यहाँ पे जब जो जो बेबी बनेगा वो बनेगा किससे, मीटोसिस से, यानी समसूत्री विभाजन से। यहाँ पे समसूत्री विभाजन में दो बनेंगे, दो कोशिका, फिर दो से चार, चार से फिर आठ, इस प्रकार से ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है तो इस प्रकार से ये फिर जो जो कोशिकाएं बनेगी वो कोशिकाएं फिर निर्माण करेगी यूनिसेल्युलर का, यानी बहुकोशिकीय हो जाएगी, ठीक है बहुकोशिकीय हो जाएगी, और जब तक ये जो बेस पेयर रहेंगे, ठीक है ये जो पेयर्स रहेंगे, ये जो 23 पेयर रहेंगे वो तब भी उतने रहेंगे जब वो जन्म लिया है, और जब जब वयस्क हो जाएगा तब भी वो उतने रहेंगे, यानी अभी भी जो 23 बेस पेयर जो है वो अभी भी है, ठीक है इस प्रकार से ये जो पेयर्स रहते 23 वो सभी में समान रहते हैं, यानी सारी कोशिकाओं में पैदा होने के समय और वर्तमान समय में एक ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है और गुणसूत्र में होता है डीएनए, गुणसूत्र में होते हैं क्या डीएनए, और सारी कोशिकाओं में गुणसूत्र समान होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पर समझना, जब वो चेक करते हैं क्या कि मान लीजिए आपने कहीं मर्डर कर दिया या फिर कुछ कुछ अन्य घटनाएं आपके द्वारा हो गई, और वहाँ कोई आई विटनेस नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, तो वहाँ पे मान लीजिए आपका आपका हेयर मिला, ठीक है हेयर, और हेयर हमने बात की ये कौन सी सेल है, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, ठीक है सोमैटिक सेल, और सोमैटिक सेल में सोमैटिक सेल जो बाकी है हमारी, ठीक है उसमें सभी में गुणसूत्र समान होंगे, तो गुणसूत्र वहाँ पे समान होंगे, तो वहाँ पे गुणसूत्र में होंगे डीएनए, ठीक है सभी, जैसे हेयर है और मान लीजिए ब्लड, ठीक है इसमें जो डीएनए रहेंगे ब्लड सेल में जो डीएनए रहेंगे वो रहेंगे समान, ठीक है तो इन जैसे आपने वहाँ पे मर्डर कर दिया और कोई आई विटनेस नहीं था, तो कोई जो फोरेंसिक लैब वाला व्यक्ति आएगा, मान लो उनने आपका ब्लड ब्लड ले लिया, ब्लड में ब्लड सेल में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो डीएनए आप जो ब्लड के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है और जो हेयर के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए वो मैच कर गए, तो मतलब आप पकड़े जाओगे कि आपने ये मर्डर किया, ठीक है इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे होती है, यानी जो जो चेकिंग होती है वो डीएनए से होती है, ठीक है डीएनए कैसे यहाँ पे चेक करके क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था उससे चेक करके यहाँ पे मैच करते हैं किस प्रकार से होती है, ठीक है तो मैं एक एग्जांपल लिया, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं कि आप मर्डर करोगे या कुछ प्रकार से चीज करोगे, और एक समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब इसी के साथ हम जो सोमेटिक सेल वाला है जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोनिंग,
ठीक है। क्लोनिंग किस प्रकार से होगी ये हम देखेंगे अभी। अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में हम अभी देख चुके हैं, जैसा कि इसमें 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिल रही पर वीक और टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जा रहा है डेली और वीकली। यहाँ पर मॉक टेस्ट हो रहे हैं और 4 डिफरेंट एग्जाम को हम कवर किया जा रहा है, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MPJ प्रहरी और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पर चल रही है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया जा रहे हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स हैं और डेली T20 सीरीज यहाँ पर चल रही है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होते हैं और इसके बाद ही 8:30 बजे से, ठीक है, ये सीरीज चलती है 8 बजे से शाम को 8 बजे, मंडे से सोमवार से शनिवार तक, और 8:30 बजे आपको इन पेपर संबंधित जो एनालिसिस है वो यहाँ पे दिए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और इसके बाद जब आप प्लस प्लान प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे यानी प्लस वाले प्लान्स लेंगे तो उसमें आपको कुछ विशेष विशेष यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है, जैसे यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के बैच बनाए गए हैं, कंप्लीट सिलेबस बैच है ये और वीकली मॉक टेस्ट इसमें होंगे। पहला बैच है 10 मंथ का, 10 मंथ फाउंडेशन बैच है, किसके लिए, MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पे होगी और जो कि हर वीक यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, अपने अनुसार आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बैच है 2 ईयर फाउंडेशन बैच और MPPSC प्रीलिम्स एंड मेंस, और जो डिज़ाइन किया गया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं अभी उन स्टूडेंट के लिए ये डिज़ाइन किया गया है और ये 4 नाइटली ये लॉन्च होते हैं। 120 डेज ये टारगेट स्टडी बैच है ये और MPPSC प्रीलिम्स के लिए है और ये लॉन्च किए जाते हैं हर मंथ। 3 मंथ बैच है यहाँ पे फॉर अदर MP एग्जाम्स, MP फॉरेस्ट सर्विस, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर, MP लेबर इंस्पेक्टर लॉन्च किए जाते हैं ये हर महीने, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें फायदा और क्या मिलने वाले हैं आपको, 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स हैं इसमें जो कि डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं, 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने हो रही है और जो कि सभी एग्जाम को कवर कर रहे हैं। इसमें जो तैयारी हो रही है MP के एग्जाम्स की और डाउट डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिए जा रहे हैं, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश क्लासेस यहाँ पर हो रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, 20 से ज़्यादा MCQ है और जो जो कि डेली प्रैक्टिस में कवर किए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के जो पेड प्लान में आपको मिलने वाले हैं। अपकमिंग बैचेस की बात करूं तो यहाँ पे लक्ष्य MPPSC 2020 बैच स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर 2020 से और फाउंडेशन बैच है यहाँ पे 10 मंथ का है और 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे, सब्सक्रिप्शन आपको जब आप ऐप खोलेंगे तो MPPSC रोकाउन संबंधित इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है, 3 डॉट में क्लिक करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए, फिर आप यहाँ से अपने अनुसार जितने मंथ का आपको लेना है आप ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं अपने बैच में जिस बैच में आपको एनरोल होना है। यहाँ पे बहुत सारे बैच बने हुए हैं जैसे कि हमने अब डिस्कस किए, उससे संबंधित जो डेडिकेटेड डाउट सेशन है और जो वीकली टेस्ट है वो भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ज्वाइन करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक MP एंड व्यापार एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि जो सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल से ही हम जो बनते हैं आगे हम एक बेबी से आगे बनेंगे यानी वयस्क वगैरह जब बनेंगे वो उसमें रहती सोमेटिक सेल, ठीक है, सोमेटिक सेल रहेगी उसमें। और सोमेटिक सेल का एक कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग में, ठीक है, क्लोनिंग में जब हमको पता है कि जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल जब हम लेंगे जर्म सेल में गुणसूत्र आधे ही आते हैं यानी 23 आ रहे हैं, ठीक है, 23 आ रहे हैं और उनको 23 की और आवश्यकता है, तब जाके ये एक जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। लेकिन जब हम बात करें सोमेटिक सेल की तो सोमेटिक सेल में ऑलरेडी वो बन रहा है क्या, समसूत्री विभाजन इसमें होगा तो वैसे ही कोशिकाएं वो बनाएगा, ठीक है, वैसे ही उसी प्रकार के सेल वहाँ पे वो जनरेट करेगा यानी 2N है तो 2N है तो 2N और 2N यहाँ पे जनरेट करेगा। तो हम इसकी सहायता से हम करते हैं क्लोनिंग, क्या करते हैं क्लोनिंग यानी क्लोन बनाते हैं, तो सोमेटिक सेल वहाँ पे लेते हैं। और जर्म सेल क्यों नहीं लेते, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की इसमें आधे ही गुणसूत्र रहते हैं ना, अब आधे आधे जैसे लैब में बनाए भी तो आधे की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो सेम टू सेम वैसा नहीं बनेगा क्योंकि फिर जो यानी फादर की तरफ से 23 आएंगे मदर की तरफ से फिर आपको 23 की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस प्रकार से जर्म सेल को वहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, क्लोनिंग में लेंगे हम सोमेटिक सेल। अब क्लोनिंग के अंतर्गत हम देखते हैं तो जंतु में पहला क्लोन बनाया गया था फ्रॉग का जो कि उभयचर था, ठीक है, और स्तनधारी की बात करें तो स्तनधारी में पहला क्लोन बनाया गया था मादा भेड़ का और किससे बनाया गया था, ये बनाया था दुग्ध ग्रंथि से, दुग्ध ग्रंथि की कोशिका से बनाया गया,
ठीक है। और हम यदि बात करें तो दुग्धग्रंथि कोशिका कौन सी सेल होगी, ये होगी सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल। या फिर आपका और हमारा, जैसे आपका या मेरा किसी क्लोन बना तो हम किससे बनाएंगे, सोमैटिक सेल से ही बनाएंगे, ठीक है। अब भारत में, भारत भारत में क्लोन भी बना है, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो मादा भेड़ है, मादा भेड़ जो बनी थी, जो पहला स्तनधारी क्लोन था, उसका नाम था, डॉली, या था डॉली, ठीक है। अब भारत में पहला क्लोन भैंस का बनाया गया था, इसका बनाया था भैंस का, और ये बनाया गया था NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है, इसमें यह बनाया गया है। और किस कोशिका को लिया गया, कोशिका का टाइप कैसा हो, कोशिका का टाइप हम समझते हैं, सोमैटिक सेल यहाँ पर रहेगी। और किस सेल को यहाँ पे लिया गया, मतलब कौन सा भाग से, ये थी ईयर सेल, ईयर सेल को लिया गया था, ठीक है, जो भारत में क्लोन बना था उसमें, पहला क्लोन जब बना था वो। और इसी कंसेप्ट का यूज करके फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो जो सारी चीज़ें होती है वो इसी कंसेप्ट से यूज़ होती है, ठीक है। जैव तकनीकी में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित चीज़ें हैं वो हम ये कंसेप्ट का यूज़ करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। जो बेस पेयर्स रहेंगे, जो क्रोमोजोम्स रहेंगे, उसके उसको उसके कंसेप्ट को आगे पढ़ के हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सवाल आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से ही आ गया था, ठीक है, और डायरेक्ट ही पूछ लिया गया था। मैंने यहाँ पे बना के रखा हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ये आ गया क्लोन, ये देखो क्लोन आया यहाँ पे, क्लोन, ठीक है। क्लोन के बारे में 3 नंबर पूछा गया लास्ट ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें। और ये यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा, ये देखो, तो हमने जो अभी पढ़ा वो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से और क्लोन से, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम तो अभी और पढ़ेंगे अलग ही, पर जो क्लोन वगैरह है, क्लोन वगैरह की जो कंडीशन है वो हमने अभी देख ली, ठीक है, क्लोन वगैरह की कंडीशन यहाँ पे देख ली है। और मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो जो अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे हम और चीज़ें देख लेते हैं, एक मिनट, शायद कहाँ गई वो फाइल, नहीं ये फाइल नहीं है, एक मिनट बस, अभी ये है वो फाइल, वो सेम नेम की दो फाइल हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं आगे, ये हो गया क्लोन, क्लोन संबंधित चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। तो गुणसूत्र समझने के लिए हम आगे आगे और यहाँ पे जो दिए गए हैं कॉन्सेप्ट्स, डीएनए आरएनए वगैरह वो हम पढ़ेंगे, और ठीक है, और डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पे देखेंगे, ये हम आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 25 मिनट से 30 मिनट के आसपास हो गया होगा, और ज़्यादा क्लास हम लेते हैं तो आप फिर कहते हैं कि सर क्लास ज़्यादा हुई है, इसलिए हम इन टॉपिक्स को अगले अगले इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आगे हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा, डबल हेलिकल मॉडल पढ़ना रहेगा हमको, और डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी और ये गुणसूत्र में अंदर जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो है, और ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, सोलेनोइड मॉडल, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक्स में। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है।
तो इससे संबंधित चीजें आपको देखना है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।